یہاں دیکھنے والے پاک کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم ہوا تو باپ نے ایک لمحے بھی کسی کتاب میں نہیں کی اور فوراً اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہوئے، اور جب بیٹے سے کہا گیا کہ تم کو قربان کیا جانا ہے تو بیٹے نے بھی ایک لمحے کی کتاب میں نہیں کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے احکامات کی پیروی اور اس کے احکامات کی بجاوی اور اس کے احکامات کی تابے داری اور اس کے احکامات کی فرمانبرداری رگ و ریشے میں بس جاتی ہے، اور جب تک اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کی عظمت اور اس کا اپنے اندر اس بات کا خیال کہ اللہ تعالیٰ ہماری ذات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، جب یہ چیز انسان کے اندر راستوں کو جاتی ہے مضبوطی اور استحکام کے ساتھ جگہ کو دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا یہ بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب تک اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کی دین کی محبت، اس کے قرآن کی محبت، اس کی شریعت کی محبت، اسلام کی محبت رگ و ریشے میں نہیں بستی ہے تو کتنی باتیں ہوں، کتنی بھی احکامات ہوں، کتنی بھی سنتوں ہوں، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہی بات کیا زبان سے، قرآن نے اس کو درج فرما دیا، لیکن توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی غلطیوں کے عوض میں نیکیاں عطا فرما دے،
कर ले और हर साल तुम्हारी मुबारक हो, हर साल तुम्हारा बाबत कर, हर साल अल्लाह तुमको खूब नवाजे, हर साल अल्लाह तुमको खूब चीज अता करे। तो ये खुशी का इजहार होना चाहिए और इस खुशी के इजहार के मौके पर सुन्नत ये है कि इस दिन हम तकबीरात तशरीक का कल से एहतमाम करना शुरू कर दें। ये जो कल दिन गुजरा हुआ है, कल सही चल का दिन हुआ करता था, कल सुबह फजर से लेकर के अब 13 तारीख की असर तक ये सिलसिला चलता रहेगा। हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा हर मर्द जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी है, तकरीबन 14 साल के ऊपर के लोगों का, वो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द का तमाम की नमाज पढ़ेंगे। ये एतराफ और इस बात का इजहार होगा कि अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की कृपा, अल्लाह ताला के असर को हम अपनी जबान से बयान करें और औरतें अपने घरों में आहिस्ता आवाज से हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ें और अगर किसी की रकात छूट गई है और उसने बात सुना मेरा तो भी पढ़े। इमाम साहब बोल रहे हैं मुफ्ती आ जाए आज रात में, मुफ्ती बोल रहे हैं इमाम साहब आज रात में, ये करना है हमको 13 के असर तक जो 5 दिन का सिलसिला चलता है 9 से 13 तक, इसको बोलते हैं कल्याण तशरीफ। इन दिनों के अंदर ये तकदीर कहना मुसलमानों पर वाजिब है, वाजिब इसको बिल्कुल भी जो है यूनस थोड़े करे हम लोग का ऐसे नहीं होता है। शरीयत के ऊपर अमल पूरी पाबंदी और जबरदस्ती के साथ होना चाहिए। दूसरी सुन्नत यह है कि कुर्बानी के दिन कुर्बानी करके अगर किसी के गोश्त का इस्तेमाल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के मौके पर घर से कुछ खा के आया कर सकते थे और ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह से जाकर कुछ खाया करते थे। तो हुजूर की सुन्नतों को अगर हम अपनी जान और दिल के साथ कबूल करेंगे और मोहब्बत के साथ कबूल करेंगे और पूरी इताअत और शरीयत के जज्बे के साथ कबूल करेंगे तो उन सुन्नतों पर अमल करने में अच्छा लगेगा, दिल लगेगा, मजा आएगा, सवाब मिलेगा। और बस ऐसे ही है जिंदगी, बस एक देखा देखी एक रास्ता है, बस सब जा रहे हैं हम उस पर चल दें, उससे कुछ नहीं होगा। दिल के अंदर मोहब्बत रसूल को, मोहब्बत खुदाबंदी को बिल्कुल मजबूती से जमाना पड़ेगा, तब जाकर शरीयत के आगे चीजों पर अमल करना आसान होगा। और अल्लाह ताला से इस बात की दुआ भी करती रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको सही मानों पर सच्चा पक्का मोमिन बना दे, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे, वकाना मिनल मोमिनीन, वो तो मोमिनीन में से थे। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसमें इस बात पर पैगाम दिया जा रहा है और फलसफा कुरबान यही है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, दुनिया से कीमती से कीमती चीज, दुनिया की अजीज से अजीज तक चीज अगर अल्लाह के रास्ते में हमें पेश करने की मोहब्बत आ जाए तो एक लम्हे के लिए तामीर किए बगैर हम उसे पेश कर देते हैं। ये है असल पैगाम कुरबानी का। वरना तो हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयारी की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ये हमारा मकसद नहीं था, मकसद ये था कि मैं अजीज हूँ, ये तुम्हारी वो औलाद जो 10 बरस के बाद हुई है, 1-2 साल के बाद, कई साल के बाद लड़का और जो बेटा तुमको दिया है, जो तुम्हें बड़ा महबूब है, बड़ा चहीता है, तुम्हारा लखते जिगर और नूरे नजर है, तुम्हारा दिल का टुकड़ा है, वो तुमको ज्यादा महबूब है या मेरा हुक्म और मेरा अमल और मेरी किताब और मेरी फरमाबरदारी? क्या हुआ असल बैठने का नहीं, दुनिया की कोई चीज हो, औलाद हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी चीज हो, ऐ अल्लाह जब तेरा मसला आएगा, जब तेरा हुक्म होगा तो हम बिल्कुल सरे तस्लीम खत्म कर देंगे, टोटली सरेंडर कर देंगे। और यही हुआ कि हज़रत इब्राहिम ने पहली मरतबा क्या किया, अपने बेटे और अपनी बीवी को छोड़ाए मक्का की जहर गैर जितना इलाके में जहाँ पर नस्ल दरख बना पानी, और जब दूसरा मकान आया तो बेटे की कुर्बानी से भी छूटे। और जब उनके बचपन का वाक्य पेश आया था, जब उन्होंने अपनी कौम से लोहा दिया था, पूरी कौम मुखालिफ थी, सब कह रहे थे ये कौन लड़का आ गया है, नमरूद उसके खिलाफ, पूरी हुकूमत उसके खिलाफ, हज़रत इब्राहिम ने कहा नहीं, ये बुत परस्ताना माहौल को हम लोग तंग करते हैं और एक अल्लाह की दावत, एक तौहीद की दावत, एक अल्लाह को मानने की दावत देते हैं, तो क्या किया गया, उनको आग का एक अंबार लगाया गया, उस आग को उनको फेंक दिया गया। उस पर अल्लाह ने अब्बा ने कहा है कि बेखबर तू बड़ा आतिश नमरूद इश्क अक्ल है महव तमाशा लबे बाम भी, यानी अक्ल अगर इस्तेमाल की जाती तो कौन आपने टूटता, अक्ल तो किनारे पर तमाशा देख रही थी कि ये क्या कर रहा है इब्राहिम, अक्ल तो ये कहती है जाओगे आप तो जल जाओगे, झुलस जाओगे, पसंद हो जाओगे, लेकिन ये अल्लाह का इश्क था, अल्लाह की मोहब्बत थी जो बेखबर आपने टूट पड़ी। अल्लाह ने कहा या
दुनिया में अल्लाह ताला ने इस दुनिया का असबाब बनाया है, यानी हर चीज रीजनेबल है, कोई चीज रीजन से खाली नहीं है। जब हम कुछ करेंगे तब हमें कुछ मिलेगा, बैठे बैठे कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए अल्लाह ताला के अहकाम को नबी की सुन्नत के मुताबिक हमेशा अमल करने की अल्लाह ताला से तौफीक मांगनी चाहिए, मदद तलब करनी चाहिए। अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में दीन को समझने की और उसका अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की और पहुँचाते रहने की तौफीक अता फरमाए।